योगी सरकार के लेखपाल हुए बेलगाम। जाति, आय, मूल निवास प्रमाण पत्रों को बनवाने के एवज में काट रहे हैं चांदी। योगी सरकार के लेखपाल हुए बेलगाम। जाति, आय, मूल निवास प्रमाण पत्रों को बनवाने के एवज में काट रहे हैं चांदी। इसी क्रम में एक पात्र पीड़ित व्यक्ति पहुंचा। डीएम व एसएसपी दफ्तर लगाई न्याय की गुहार। प्रदेश में योगी सरकार के लेखपाल भी भ्रष्टाचार को अपनी चरम सीमा पर पहुंचा चुके हैं। इसी क्रम में विद्यालय खुलने पर छात्रों को एडमिशन के दौरान व अन्य विभिन्न कार्यों में लगने वाले आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र व मूल निवास प्रमाण पत्रों को लेकर जनता में खलबली मची हुई है। इस दौरान अशिक्षित जनता के बीच लोगों से जिम्मेदार लेखपालों द्वारा घूसखोरी चरम सीमा पर है, जिसकी शिकायत करने एसएसपी दफ्तर पहुँचे। पीड़ित बरेली जिले के ग्राम पंचायत लंगूरा विकास खंड आलमपुर जाफराबाद तहसील आंवला के ग्राम प्रधान वीरेंद्र पुत्र साधुराम ने क्षेत्र के लेखपाल रिंकू राणा व निलंबित सिपाही मोहित यादव की भ्रष्टाचारी को लेकर जिला अधिकारी बरेली व एसएसपी बरेली से शिकायत की। ग्राम प्रधान का उक्त लेखपाल पर सीधा सीधा आरोप है। जिले की जनता में जो सरकारी सुविधाओं के पात्र हैं, उनकी रिपोर्ट व सरकारी योजनाओं में लगने वाले सत्यापित कागजातों में रिपोर्ट लगाने की एवज में धन उगाही कर रहे हैं। पीड़ित व्यक्ति व प्रधान सरकारी योजनाओं में लाभ लेने के लिए जनता ऑनलाइन जो प्रमाणित दस्तावेज बनवाने के लिए लेखपालों के चक्कर लगा रहे हैं, इसी के चलते लेखपाल जनता से रिपोर्ट लगाने के नाम पर धन उगाही में व्यस्त हैं। पीड़ित लोगों से इसकी शिकायत जिलाधिकारी और एसएसपी से की। इंडिया रिपब्लिक न्यूज के लिए कुतुबुद्दीन अंसारी की खास रिपोर्ट। जी, क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम प्रदीप शर्मा है, मैं ग्राम पंचायत लंगूरा का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ एक लेखपाल हैं रिंकू राणा, उन्होंने इस तरीके से भ्रष्टाचार फैला रखा है कि यदि कोई भी काम, किसी काम के लिए कोई व्यक्ति जाता है तो उसका इस तरीके से काम करेंगी कि अगर कोई गया कि साहब हमारी ज़मीन नापना है, तो वो कहेंगी वो तो अभी 6 महीने बाद, अभी उसमें चल रहा है, 6 महीने बाद नपेगी, अभी तो नहीं नप पाएगी। कोई गया आय प्रमाण पत्र बनवाने तो आय प्रमाण पत्र बना देंगी 1.5 लाख रुपये का, जैसे कि उसका वो आए और हमें पैसे दे। जिसके घर में खाने को रोटी नहीं है उसकी उसकी आय 1.5 लाख रुपए दिखाती हैं। जिसके घर में रहन छप्पर पड़े हुए हैं उसकी आय 1.5 लाख रुपए कैसे कम करते हैं? फिर उसे उनसे 2000 रुपए 1500 जैसे डीलिंग हो जाए। लेखपाल जो हैं वो कह देती हैं वो हमारे पति हैं, वो जाएंगे, मोहित यादव हैं उनके, वो मैंने पता लगाया निलंबित हैं वहाँ से, और अमरोहा ज़िले में पोस्टिंग है। किस विभाग में? पुलिस विभाग में हैं, वहाँ से यहाँ रहते हैं और रहने के बाद वो फंसा के लाती हैं और डीलिंग करते हैं उनके पति मोहित यादव। आपके साथ कुछ ऐसा? हमारे साथ 2 लोग गए थे, एक सचिन, तो हम इनके सचिन के पैसे मैंने खुद अपने हाथ से दिए थे। एक पप्पू गए थे, वो उनके पैसे मैंने अपने हाथ से दिए, मुझसे बोले कि जाइए यहाँ से अपना काम करिए। हमने किस बात के पैसे लिए जा रहा है, तो बोले ये तुम्हारे लिए सुविधा दी जा रही है इसलिए, नहीं तो यहाँ ठलुआ नहीं बैठे हैं, इतने रुपए की इतनी सैलरी नहीं मिलती है। हम ये चाहते हैं कि जाँच कर कार्रवाई की जाए और उचित कठोर से कठोर उसे दंड दिया जाए। इस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार, योगी जी की सरकार में इस तरीके से भ्रष्टाचार फैलेगा, कैसे काम चलेगा? महिला लेखपाल है। क्या नाम है आपका? सचिन कुमार, ग्राम लंगूरा। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये सर, पहले इन्हें आय ज़्यादा बनाई थी मेरी, आय ज़्यादा बनाने के बाद फिर मैंने कहा आया तो आपने बहुत ज़्यादा बना दी, हम तो गरीब हैं, तो बोले ऐसा कुछ नहीं है, पैसे दे दो मैं कम कर दूँगी। तो फिर उन्होंने पैसे मांगे थे मुझसे, बोली मैंने कितना रुपये दे, बोले 1000 रुपये दो और एक पीजा ला के दो। पिज्जा मंगाया था हमसे घर पे, वो इनका घर है वहाँ पे लाल फाटक पे, वहाँ बुलाकर पिज्जा मंगाया था हमसे और 1000 रुपये लिए थे। पति इनका कोई मतलब कि सिपाही वगैरह हैं कोई, मतलब पुलिस में ही है। इनका नाम मुझे याद नहीं है, नेपाल का नाम बता रही हूँ, पुराना। महिला कौन है?